नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, से सेशन में आशीष गौतम आपका तहे दिल से यहाँ पर दोस्त स्वागत करता है क्या रहेगा कैसा रहेगा डिटेल में डिस्कशन करेंगे बट दोस्त फ़टाफट से शेयर कर दो मुझे मालूम है तुम करते तो हो नहीं हो बट फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कहने का कर दो जल्दी फटाफट से शेयर कर दोगे तो बेहतर रहेगा जहाँ पर भी शेयर कर पाओ व्हाट्सअप टेलीग्राम फेसबुक पे जल्दी से क्योंकि मैं कर नहीं भाई इधर उधर शेयर तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दो देखिए ये अपना 600 सीरीज़ जो चल रही है ना 600 सीरीज़ एम की ऑलमोस्ट हम ऑलमोस्ट क्या जनवरी डन कर चुके हैं फ़ैफ का स्टार्टिंग का डिस्कस कर लिया था फ़ैब का ही आगे मैं कंटिन्यू करूंगा जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक और चीज़ वाई वन सिक्स एट कोड इसको यूज़ करिए पाँच परसेंट तक का डिस्काउंट पाँच परसेंट तक डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा अभी तक जितने भी प्रोडक्ट हमारे डबल नाइन और ट्रिपल नाइन में थे अब इनके प्राइजेस देखिए अब से इंक्रीज़ हो गए हैं इसका प्राइस वन फोर डबल नाइन हो गया है दोस्त फिर और बढ़ सकता है और भी बढ़ सकता है इसलिए मैं कहूँगा वक्त कम है फ़ायदा उठाइए एस का मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है मैंने आज पहली क्लास ली थी दोस्त और पहली क्लास में भाई बच्चे बहुत मेरे को देखने को मिले तो बच्चों को बैच पहले ही पता है कि भाई वहाँ शानदार रहने वाला है तो गैस प्लीज़ एस बी के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए और अक्टूबर से लेके यहाँ पर मैं अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर कर रहा हूँ इस कोड को यूज़ करना डायरेक्ट इस कोड को यूज़ करते ही आपको 5 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा अड्डा स्टोर पर विजिट करना है किस पर मेरे भाई अड्डा स्टोर पर विजिट करना है चाहे एस बी आई लेना टारगेट आई बी लेना है इवन कोई भी लेना है मेरे भाई आपको बैच इस कोड को यूज़ करना फाइव का डिस्काउंट मिलेगा ठीक है ये सारे बैचेस हैं अब इनके नए प्राइज आ चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पहला सवाल सोफिया कैनिन ने स्पेन की गार्बाइन मुगुरूजा को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब जीता है वो किस देश से है सोफिया कैनिन वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन बाय डिफीटिंग स्पेन गार्बाइन मुगुरूजा शी इज फ्रॉम विच कंट्री शी इज फ्रॉम विच कंट्री ये किस देश से हरिया फटाफट आंसर करिए यार सी का क्वेश्चन की बात करें तो भाई जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे बच्चों का कहना है कि सारे अभी तो मैं देख नहीं पाया हूँ क्या रहा था एक पता चला रिवर्स रेपो रेट था श्रीलंका के प्रेसिडेंट बहुत सिंपल सवाल थे और सारे सेशन में से रहे तो प्लीज यार ट्रस्ट बनाए रखिए बहुत सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले यहाँ पर कि ये देखो एक साल में जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ना ग्रैंड स्लैम कुल मिलाकर दोस्तों चार होते हैं एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विमलेंडन और यूएस ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच

नोवाक जोकोविच ने मैन सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसका मैन सिंगल का टाइटल डोमिनिक थीम को हराकर जो डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के उनको हराकर नोवाक जोकोविच ने जीता सवाल ये नोवाक जोकोविच किस कंट्री से दो सहन साधा ही

करेंसी यहां पर भी इको चलती है यह भी आपको याद रखना है आई होप सो यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी ठीक है यहां तक सारी चीजें क्लियर है एक बार भाई लाइक करते चलेगा फटाफट से तो शेयर कर दीजिए यहां तक सारी चीजें आपके क्लियर है दो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रूबी रूबी रूबीगूला एक फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल बुल है जिसका अनावरण राष्ट्रीय खेलों के छत्तीसवे संस्करण के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किया गया सवाल यह है कि कौन सा राज्य इस आयोजन की मेजबानी करेगा मतलब जो रूबीगुला है ना वो बेसिकली क्या बना है 36 जो एडिशन है है नेशनल गेम्स का बेसिकली गोवा होस्ट करने जा रहा है। इसका ऑफिशियल मैसकोट चुना गया रूबीगुला एक बुलबुल है एक बुलबुल बुल है सवाल यह है कि कौन सा स्टेट होस्ट करेगा जवाब बनता है यहाँ पर इसे मेरे भाई गोवा होस्ट करेगा कौन सा स्टेट गोवा गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो गवर्नर उनका नाम है सत्यपाल मलिक सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं ओके महाराष्ट्र की एक स्कीम है इसका नाम है शिव भोजन शिव भोजन महाराष्ट्र की स्कीम है ठीक है राजस्थान रिलेटेड याद रखना जयपुर को अभी हाल ही में जो यूनेस्को है यू यूने... यूनेस्को यूनेस्को ने क्या किया था कि हेरिटेज जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सर्टिफिकेट अभी दिया है दो हजार उन्नीस में इसको चुना गया था इससे पहले दो हजार सत्रह में अहमदाबाद को चुना गया था ठीक है इस लिस्ट में वेस्ट बंगाल की दो तो स्कीम है एक है चा सुंदरी चा सुंदरी सुंदरी और एक स्कीम है दोस्त बंगश्री आज यार मॉर्निंग सेशन में सात बजे वाले में कल मैंने आपको पढ़ाया था कि गवर्नमेंट दो सौ करोड़ इन्फ्यूज करेगी इंडस्ट्रियल फाइनेंस में उसमें मैंने गलती दो सौ करोड़ बता दिया भाई याद रखना उसका आंसर करोड़ ही है दो करोड़ ही उसका आंसर है असम के गुवाहाटी में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स रहे थे बेसिकली इसमें जिस स्टेट ने टॉप किया था वो महाराष्ट्र रहा था महाराष्ट्र रहा था इसको भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कौन सा दिन विश्व आद्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है देखो अगर नॉर्मली मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो पंद्रह जनवरी को आता है इंडियन आर्मी डे इंडियन आर्मी डे इंडियन आर्मी डे अठारह जनवरी को आता है एनडीआरएफ का रेजिंग डे एनडीआरएफ का रेजिंग डे ठीक है चौबीस जनवरी को आता है अपना नेशनल गर्ल चाइल्ड डे नेशनल गर्ल चाइल्ड नेशनल गर्ल चाइल्ड ये आपका आता है मेरे भाई 24 जनवरी को और इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी आता है 25 जनवरी को आता है नेशनल वोटर्स डे नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे नेशनल टूरिज्म डे और 2 फरवरी को अपना आंसर आता है यहां पर मेरे भाई वर्ल्ड वेटलैंड डे वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका दो फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे दो फरवरी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तीन फरवरी को मेरे भाई आशीष गौतम का बर्थडे आता है ठीक है आशीष गौतम का बर्थडे आता है तीन फरवरी को इसको भी आप याद रखना तीन सौ अस्सीवे सवाल उन्यासीवे सवाल पर है किसने हरियाणा के सूरज कुंड में चौंतीसवें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया किन्होंने अभी हाल ही में हुआ इज इनोग्रेटेड थर्टी फोर्थ सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इन सूरज कुंड हरियाणा इट इज इनोग्रेटेड बाय रामनाथ कोविंद हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ पर अभी एक मिशन लॉन्च किया गया था तो इसका नाम है रीडिंग मिशन रीडिंग मिशन हरियाणा का एक, एक मिशन है ठीक है दमदमा लेक हरियाणा की है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छिलचिलाइल सेंचुरी भी अबूब शहर ठीक है खोल ही रेतन ये सभी कहा हरियाणा राज्य सरकार की हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम गुरुग्राम बेसिकली बात करते हैं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है और ये आपका राव इंद्रजीत सिंह का निर्वाचन क्षेत्र भी है जो कि मौसपी मंत्रालय देखते हैं मौसपी मंत्रालय और मौसपी के अंतर्गत तो एक आता है एन जो कि इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करता है इसने क्वार्टर थ्री की जो इंडिया की जीडीपी बताई फोर पॉइंट बताई है इसको याद रखना फोर पॉइंट सेवन परसेंट फोर पॉइंट सेवन परसेंट फोर पॉइंट सेवन परसेंट चार दशमलव सात प्रतिशत बताई गई है ठीक है दोस्त हाँ हेडक्वार्टर वड्डा टू फोर सेवन ये भी आप याद रख सकते हैं बहुत बढ़िया राउ इंद्रजीत सिंह मिनिस्ट्री देख रहे हैं मौसपी मंत्रालय देख रहे हैं मौसपी मंत्रालय देख रहे हैं एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर भी है बहुत बढ़िया बुलेटेड हैप्पी बर्थडे सर अरे धन्यवाद मेरे भाई धन्यवाद नेक्स्ट यार चीन के बाहर पहला कोरोना वायरस की मौत किस देश में हुई आपको मालूम है दो अभी केसेस इंडिया में भी आगे पॉजिटिव आए हाँ हैं उनको एक तरीके से कह सकते हैं उनके ऊपर आँख रखी जा रही है भाई कैसा क्या है सारी चीज़ें बट फिर भी प्रिकॉशन लेके चलिए सभी लोग फर्स्ट कोरोना वायरस डेथ आउटसाइड चाइना रिपोर्टेड इन विच कंट्री गाइज इट इज़ रिपोर्टेड इन फिलिपींस फिलिपींस आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके जो हैडक्वार्टर है वो आपका मनीला फिलिपींस में है इसके जो एट सिक्सटी एट्थ मेबर है सिक्सटी एथ में जो नेक्स्ट जो लास्ट मेंबर है वो न्यू है का मेंबर है। इसके के साथ इंडिया की एक्सरसाइज कौन कौन सी होती हैार्जियन और सहयोग काइजन सिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन सहयोग काइजन शक्ति वरुण गरुण इंडिया के फ्रांस के साथ होती है इटली का एक शहर है रोम इट इज बेसिकली हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ ए का हेडक्वार्टर है और एफ के जो सेक्रेटरी बेसिकली डायरेक्टर जनरल की बात करें तो उनका नाम है क्यू डोंगू क्यू डोंग्यू और ये चाइना से क्यू डोंगू आपके चाइना से क्यू डोंगू चाइना से सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद करेंसी रियाल चलती है और आपको पता होना चाहिए कि जी ट्वेंटी समिट दो हजार बीस का जो है वो सऊदी अरब होस्ट कर रहा है दो हजार इक्कीस का इसे इटली होस्ट कर रहा है और दो हजार बाईस का जो है इसे अपना प्यारा भारत होस्ट कर रहा है और जो जी ट्वेंटी समिट के लिए दो हजार बाईस के लिए पैसे अलोकेट किए गए वो बजट में हंड्रेड करोड़ रुपीज का लोकेशन रखा है कितने का मेरे भाई हंड्रेड करोड़ रुपीज का लोकेशन रखा है इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा दोस्त ठीक है नेक्स्ट कौन सा भारतीय नौसेना जहाज ऑपरेशन वैनिला के तहत मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान कर रहा है सवाल देखो एक चीज समझना जो कि भी एक देश है मेडागास्कर वहां पर इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है अब सवाल यहां पर ह्यूनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें डिजास्टर रिलीफ की बात करें वो सारा प्रोवाइड कर रहा है अब उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है उसका नाम है ऑपरेशन वैनिला ओके यहाँ लिखा है इसमें हाँ लिखा है ऑपरेशन वैनिला इस ऑपरेशन वैनिला के तहत एक भारत ने शिप भेजा इंडियन नेवी का उसका नाम किया उसका नाम है इंडियन नेवी शिप एरावत क्या नाम है मेरे भाई एरावत इसका नाम है ये भी आपको याद रखना है मेडागास्कर की कैपिटल क्या है सर मेडागास्कर की कैपिटल अंता नदी अंता नदी करेंसी अरियारी कैपिटल सॉरी जय श्री राधे भाई यहाँ पर याद रखना है कैपिटल क्या है यहाँ पर अंता नदी करेंसी अरियारी चलती है मुद्रा यहाँ पर जो चलती है मेरे भाई अरियारी चलती है अरियारी मुद्रा चलती है नेक्स्ट यार किस शहर में पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया उद्घाटन किया गया ये भी हो गया। परसो तो 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 की ढाका तो पर में रहा था आई थिंक ये क्लियर होगा बांग्लादेश ढाका ढाका याद है कुछ यार बांग्लादेश की कैपिटल क्या ढाका है करेंसी यहां पर टका चलती है बांग्लादेश के साथ इंडिया की संप्रति 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 ठीक है याद रखना यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा संप्रति याद रखना ठीक है दोस्त तो नेक्स्ट यार किस शहर में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया इंपॉर्टेंट एम वेंकैया नायडू की एक बुक है है लिसनिंग लिसनिंग लर्निंग लर्निंग और लीडिंग लीडिंग सवाल यहाँ पर यह है कि मेरे भाई सिंपल शब्दों में बात करते तो डेवलपमेंट सेंटर कहां पर ओपन हुआ यह हुबली में हुआ है ठीक है गुजरात के लोथल में क्या होने वाला है बेसिकली पुर्तगाल भारत की इसमें सहायता करेगा तो फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम फर्स्ट मेरी म्यूजियम आपके गुजरात के लोथल में बनेगी एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा में डेफ एक्सपो लखनऊ में कानपुर में नेशनल गंगा काउंसिल की जो मीटिंग रही थी जो मोदी जी के द्वारा चेयर की गई थी वो आपकी कहां पर रही थी कानपुर में रही थी कानपुर में रही थी इसको याद रखना है अभी दो हेल्थ एटीएम दो हेल्थ एटीएम कहां पर इंस्टॉल किए गए चारबाग रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल किए चारबाग रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल किए गए हैं चारबाग रेलवे स्टेशन कहां पर है लखनऊ में इसको भी आप याद रख सकते हैं ठीक है तो दोस्त नेक्स्ट यार किस देश के साथ भारत ने अडू पर्यटन क्षेत्र की स्थापना के लिए पांच समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड फाइव एमओ फॉर स्टेबलिशिंग अडू टूरिज्म जोन मतलब कहने का लॉजिक यह है कि जो अडू है अडू बेसिकली शहर ऑफ म्यांमार या मालदीव जहां तक म्यांमार है नहीं मालदीप है मेरे भाई मालदीप का एक शहर है अडू और वहां पर जो टूरिज्म जोन है ना उसे स्थापित करने उसे बेहतर करने के लिए भारत ने उस राज्य उस देश के साथ एक समझौता किया है अब इन देशों में देखिए मालदीप की कैपिटल है माले करेंसी यहाँ पर चलती है रुपया माली की कैपिटल है माले मालदीप की कैपिटल माले करेंसी रुपया म्यांमार की कैपिटल नाइपी दो करेंसी यहाँ पर क्या चलती क्या यहां मुद्रा चलती है नेपाल कैपिटल काठमांडू है करेंसी करी चलती है इसके साथ भारत की एक एक्सरसाइज होती है इसका नाम है सूर्य किरण सूर्य किरण है। मंगलदेश क्लियर है। भूटान की है। और ये या आपको याद रखना है, है, भाई एक जैसे जैसे वीजा होता है, जैसे मास्टर कार्ड होता है मेरे भाई नाम क्या है फटाफट से पता उस गेटवे का नाम क्या है मालदीव माले रुपया बहुत बढ़िया मेरे भाई ओके फटाफट से बताया उस गेटवे का नाम क्या है म्यांमार के साथ इमेक्स से, है इम्बैक्स से, है वेल्डन यार संप्रति बांग्लादेश है भाई बहुत बढ़िया रुपए बहुत बढ़िया मेरे भाई क्या नाम है इसका नाम है रुपए ठीक है रुपए याद रखना है तुषार तो शार काजीलाल का हाल ही में निधन हो गया तुषार हैज तो शार काजीलाल है पॉलिटिशियन राइटर क्रिकेटर एथलीट स्विमर जिन्होंने सुबह सात बजे का सेशन देखा होगा तो उसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए थे और दो क्वेश्चन में पांच पांच ऑप्शन रहे थे और हर एक ऑप्शन से हम लोगों ने एक ऑबिचुरी डिस्कस की थी तो अराउंड हम लोगों ने आज दस ऑबिचरी अराउंड किया डेफिनेटली दस ऑबिचरी डिस्कस की थी तो क्या इसी पैटर्न पर हम लोग कल भी जुड़ेंगे हर एक ऑप्शन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्लीज 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 कल के मॉर्निंग सेशन में जुड़ना ना भूलिएगा ठीक है बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं जुड़ पाते मेरे साथ बट प्लीज सुबह उठना सीखे यार उठना सीखे अगर मेरे साथ आपने दो से तीन दिन बिता लिए ना यू विल फील यार चौबीस घंटे सर आप मतलब क्या करते हैं मतलब पूरे टाइम बस भाई वक्त ही नहीं अपने लिए लिटरली बता रहा हूं अपने लिए वक्त नहीं होता कि चलो ठीक है बैठ कर कहीं चलो घूमने चल लो ये कर लो वो कर लो नहीं होता समाइम यह है कि हाँ थोड़ा बहुत यह कि भाई बाइक बाइक उठाई और घूम लिया अदरवाइज नहीं यार दोस्त क्योंकि गोल सेट है कुछ करना है जिंदगी में कुछ करना अगर कुछ करना है तो पागलपन के साथ ही करना पड़ेगा अदरवाइज नहीं कर पाएंगे यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा पागलपन लाइए जो तो नहीं सुबह उठ पाते सुबह उठना स्टार्ट करिए सुबह का वक्त बहुत शानदार होता है और चीज़ें शायद उस टाइम पर इतनी दिमाग पूरा खाली रहता है आपको बहुत टाइम तक याद रहे ठीक है हाँ रात को लेट सोते हैं तुम लोगों की सोना बाबू चलती रहती होगी समझता हूँ सारी चीज़ें मैं बट दोस्त फोकस कर लो ठीक है आंसर यहाँ पर बनता है ही वॉज राइटर ही वॉज राइटर ही वॉज फेमस राइटर क्लियर है दोस्त तक सारी चीजें यहां तक सारी चीजें आपके क्लियर है अब आगे बढ़े नेक्स्ट तुषार कांजीलाल हो गया नेक्स्ट यार नेक्स्ट बिकम फर्स्ट डीप पर्सन टू रो अक्रॉस अटलांटिक ओशियन कौन अटलांटिक महासागर पार कर जाने वाले पहले बहादुर व्यक्ति बने हैं जरा देखिए माइकल डी पत्रा इज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है जनक राज ही इज अ मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी हाल ही में बने बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माइकल डी पत्रा इज आल्सो दी मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी माधुरी विजय जहां तक मुझे याद है ना जेसीबी सी प्राइज दिया गया है राफेल ग्रोसी को इंडियन इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी का हेड बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर वियनाम है जिसका हेडक्वार्टर वियना में आंसर बनता है मो ओ ब्राइन मो ओ ब्राइन ठीक है दोस्त यहां तक क्लियर होगा यहां तक क्लियर होगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यार किस देश ने सभी प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें कपड़े मास्क शामिल है जो लोगों को वायु जनित कणों से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं which country मतलब अपना प्यारा भारत ही होगा जहां तक मुझे याद है which country has been export of all kind of personal protection equipment जितने भी पर्सनल प्रोटेक्शन कोरोना वाइज वो कोरोना वायरस की इज का भाई रीजन रहा है कि जितने भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है ना उसके ऊपर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 भाई भारत के द्वारा ही प्रतिबंध लगाया गया भारत के द्वारा ही ठीक है पेरू की कैपिटल है लीमा लीमा

समझ रहे हो जैसे कि ये वाला रहेगा कि जो बाय बी, इनियल, बी इनियल मेगा डिफेंस एग्जीबिशन रही थी जिसका इन शॉर्ट मतलब डिफेंस एक्सपो ये कहां पर लखनऊ में रही सवाल उठता ही कहाँ इसका एडिशन कौन सा था इट वॉज वॉट एडिशन ब्राज़ील में बहुत शानदार मेरे भाई 11th BRICS Summit जो रहा था, BRICS जो रहा था ब्राजील रशिया रशिया इंडिया इंडिया ब्राज़ील के ब्राजीलिया में और जो नेक्स्ट होगा ट्वेल्थ ब्रिक्स समिट होगा ये रशिया होस्ट करेगा कौन सा देश होस्ट करेगा रशिया होस्ट करेगा यहां आंसर बनता है 11th. 11th Expo, 11th किस शहर में कला उत्सव काला घोड़ा आयोजित किया गया है भाई काला घोड़ा एक आर्ट फेस्टिवल है किस शहर में किया गया दोस्तों किया गया था मुंबई में देखो थर्टी फर्स्ट, फर्स्ट जो काइट फेस्टिवल रहा था मेरे भाई इट वाज हेल्ड इन अहमदाबाद ग्वालियर में रहा था तानसेन समारोह तानसेन समारोह ठीक है और उखरूल में रहा था उखरूल में रहा था, था शिरुई लिली फेस्टिवल

ठीक है मेरे भाई सब सिंपल शब्दों में भाई ऑन पेपर एक कमेटी बनाई गई एक टास्क फोर्स बनाई गई है तो देखो हर्षवर्धन साहब भी रहेंगे इसके एस जयशंकर साहब भी रहेंगे जी किशन रेड्डी साहब भी रहेंगे हरदीप सिंह पुरी साहब भी रहेंगे तो आंसर बनता ऑल ऑफ दी अब किस राज्य सरकार ने नोवल कोरोना वायरस महामारी को राज्य आपदा घोषित किया है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट मेरे भाई स्टेट गवर्नमेंट कोरोना विजय, मरतम, विजय मरतम और एक सहचरी विजय मृतम और एक सहचरी दोस्त विजय मृतम और, सहचरी विजय, और सहचरी विजय मृतम और एक सहचरी एम नारायण रेड्डी का एम नारायण रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया वह क्या थे नारायण रेड्डी वॉज वॉट यार आंसर बताइए मैक्सिमम स्टेंट तुक्के लगाएंगे यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ ओके व्हाट इज अम नहीं एम नारायण रेड्डी का भी हाल ही में निधन हुआ क्या थे भाई रेड्डी साहब है मुझे नहीं लगता है, क्रिकेटर होंगे मुझे नहीं लगता राइटर होंगे मे भी हो सकता है एथलीट भी नहीं लगता भाई हो सकता है रेड्डी साहब जब वो राजनेता निकल है राजनेता देखें आंसर क्या है भाई राजनेता ही है राजनेता ठीक है मेरा मतलब थोड़ा सिक्स सेंस काम करता है तो पॉलिटिशियन एम नारायण रेड्डी का भी हाल ही में निधन हुआ वह क्या थे एक पॉलिटिशियन थे एक पॉलिटिशियन थे नेक्स्ट यार कौन सा दिन विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है आशीष ऑप्शन बड़े भैया यहाँ पर अचूक रखे गए हैं वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं जहां तक मुझे याद है वर्ल्ड कैंसर डे आपका चार फरवरी को मनाया जाता है आई एम एंड आई विल इसकी थीम रही थी एम एन आई विल इसकी थीम रही थी ये आपको याद रखना है ठीक है दोस्तों दो फरवरी को कौन सा डे एक फरवरी को कौन सा डे एक जनवरी को कौन सा डे चार जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे में भी हो सकता है चार जनवरी हो वर्ल्ड वेटलैंड दो फरवरी हो आई डोंट नो मेरे भाई एक फरवरी एक जनवरी को कौन सा डे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करे फटाफट से मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा नेक्स्ट यार नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शहर अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार के 21वें संस्करण की यार इसका आंसर दीजिए दोस्त मान जाएंगे विच कंट्री विल होस्ट विच कंट्री ने विच सिटी आशीष तू भी क्या कर रहा है यार विच सिटी विल होस्ट ट्वेंटी एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड आई एफ की बात करें तो इसके इक्कीसवे संस्करण की

किस राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है विच स्टेट हैज फर्स्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भाई जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसके बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट को फर्स्ट पोजिशन दी गई है आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में एक फेस्टिवल और मनाया बेसिकली एक जगह भी है वहां पर हम कहा भाग गए मांडू फेस्टिवल मांडू फेस्टिवल

वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का मालदीप अभी हाल ही में एक बार देख ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुलफॉर्म बनती है मैसीडोनिया की कैपिटल क्या है क्या, इसको भी देखना है ठीक है यहां पर अपना आंसर बनता है मालदीप मालदीप बेसिकली कॉमनवेल्थ का 54th बना है कॉमनवेल्थ का जो है वो लंदन में है कहां पर दोस्त लंदन में एक और चीज याद रखना लंदन में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर भी है

वहीदा रहमान को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के नेशनल किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया नेशनल किशोर कुमार सम्मान से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो अवार्ड है किन को सम्मानित किया वहीदा रहमान को क्लियर है दोस्त वहीदा रहमान को नेक्स्ट यार से कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है आंसर बनता है ऑप्शन नंबर अजय को हर्षवर्धन ये फॉरेन सेक्रेटरी चुने गए हैं ठीक है ये भी आपको याद रखना है फॉरेन सेक्रेटरी हैं अपने हर्षवर्धन श्रृंगला भाई सेशन पसंद आ रहा है प्लीज लाइक करते चलना भाई सेशन पसंद आ रहा है दोस्त फटाफट से लाइक कर दो सर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है एक बार जरा फटाफट से लाइक कर दो सेशन यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है पसंद आ रहा है जो भी मेरे भाई यार तुम लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है जितने बच्चे एस बी आई क्लर्क के लिए जा रहे हैं प्लीज यार बैच को परचेज कर लेना चंद पैसों की खातिर ये मत सोचना नहीं यार क्योंकि दोस्त कभी कभी क्या होता है बहुत सारी चीजें वहां पर हम लोग एडिशनल तौर पर बैकहैंड से कंटेंट टीम सपोर्ट है पूरा हम दोस्त तो बनाते हैं कुछ चीजें यहाँ भी मिस हो जाती है वहां पर ऐड करते हैं तो प्लीज इस बैच को ले सकते हैं वन फोर डबल नाइन इसके प्राइस है बट अभी भी मैं कहूँगा इसके प्राइस और भी बढ़ सकते हैं ट्रिपल नाइन तक आप लोग तब नहीं सुने अब इसका और बढ़ गया फाइव परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है इसको ले लीजिए ऐसे बच्चे जो आरवीए असिस्टेंट मेंस के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी मेरा बैच आ चुका है मेरा खुद का बैच भाई अलग अलग इंडिविजुअल बैच है ये आ चुका है इसको भी आप परचेज कर सकते हैं और सेम यही कोड यूज करना इसके लिए भी डिस्काउंट मिल जाएगा का ठीक है किस शहर में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मंत्री स्तरीय मंत्री स्तरीय रक्षा अच्छा वार्ता आयोजित की गई है इन विच सिटी मिनिस्ट्रील लेवल डिफेंस डायलॉग इन विच सिटी मिनिस्ट्रियल लेवल डिफेंस डायलॉग इन विच सिटी मिनिस्ट्रियल लेवल डिफेंस डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया वॉज हेल्ड गाइस फटाफट से बताइए पर पर रही है? कहाँ पर ये मीटिंग रही है बहुत बढ़िया आंसर ऑप्शन नंबर न्यू न्यू दिल्ली। दिल्ली इन मिनिस्ट्री लेवल डिफेंस डायलॉग साथ इंडिया की कोस्ट गार्ड की एक एक्सरसाइज होती है और बेसिकली इसका नाम है सहयोग सहयोग ह्युबलियोग सहयोग सहयोग एक्सरसाइज का नेम है

बट जहां तक यार आशीष तू गड़बड़ ना कर दे चेन्नई है इसका आंसर जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर चेन्नई है कि ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन ये कहां पर होगी चेन्नई में होगी वेल डन मेरे भाई बहुत बढ़िया चेन्नई में कहां पर होगी मेरे भाई चेन्नई में होगी इसमें किस देशों से सहायता ली जा रही है एक ऑस्ट्रेलिया एक इंडोनेशिया इंडोनेशिया के साथ इंडिया की दो एक्सरसाइज होती है एक होती है समुद्र शक्ति और दोस्तों एक एक्सरसाइज और होती है इसका नाम है गरुड़ शक्ति गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति और एक गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति और एक गरुड़ शक्ति इसको याद रखना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रमाण पत्र को किस शहर को समर्पित किया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूनेस्को के अब सवाल उठता है ये सर्टिफिकेट बेसिकली आंसर यही है यहाँ पर किसको दिया गया ये मेरे भाई जयपुर है कौन सा है जयपुर इसको याद रखना है ठीक है कौन सा है जयपुर है दोस्त नेक्स्ट यार डीआईसी ने सभी विमित बैंकों में जमा करताओं के लिए देखो है क्या लॉजिक यहां पर कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इट इज सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब आप बैंक में जाते हैं और पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उस पर इंश्योरेंस दिया जाता है इंश्योरेंस कौन देता है? आरबीआई के बहा पर डीआईसी डीआईसी पहले एक लाख रुपए का इंश्योरेंस देता था भाई अब ये इंश्योरेंस कितने का देता है अब ये इंश्योरेंस पांच लाख रुपए का देता है कितने का पांच लाख रुपए का देता है सवाल ये है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है दो सांसा बनता है इज लोकेटेड इन मुंबई हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है कहां पर मुंबई में स्थित है केंद्र सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के विनिवेश से इंकार कर दिया है इसके सीएमडी कौन है सीएमडी इसलिए मैंने यहां पर पूछा क्योंकि अभी ये न्यूली अपॉइंटेड है यूनियन गवर्नमेंट ने रूल आउट किया है कि जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है

यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो नेक्स्ट यार किस दिन भारतीय तटरक्षक ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया ऑन व्हिच डे इंडियन कोस्ट गार्ड हैज सेलिब्रेटेड 44थ रेजिंग डे 44थ रेजिंग डे मेरे भाई कब मनाया गया है 44थ रेजिंग डे कब मनाया गया फटाफट से बताइए बहुत बढ़िया मेरे भाई बहुत बढ़िया वेल डन यार ऐसे ही शेयर कर दो जल्दी-जल्दी शेयर कर दो और बढ़ जाएंगे तो आंसर पर बनता है फोर्टी फोर्थ रेजिंग डे मनाया गया अब एक फरवरी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने अपना जो 44th रेजिंग डे मनाया है वो मेरे भाई एक फरवरी को मनाया फरवरी को मनाया है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भारतीय नौसेना ने एक तटीय सुरक्षा अभ्यास के सभ्यास का नाम क्या यार ये बता दीजिए देखो तो डस्टलिक दो तो मैं बता देता हूँ डस्टलिक इंडिया की उजबे के साथ उज्वे किस्तान के साथ एक्सरसाइज एक है सहयोग काइजन जापान के साथ जापान सहयोग काइजन मैत्री धर्म गार्जियन ठीक है अब बाकी के जरा तीन को देखकर बताइए फटाफट से बताइए मेरे भाई ओके, okay. ओकेटन well मेरे दोस्त तुम लोगों से कहा था मैंने कि शेयर वेयर कर दो लेकिन तुमने शेयर किया नहीं मैं देख रहा हूं यहां पर टेलीग्राम में मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा था शेयर वेयर तुमने किया सुन लिया करो मेरे भाई कभी तो अपने बड़े भाई की बात मान लिया करो आंसर बनता है यहां पर मतला अभियान मतला अभियान आंसर बनेगा टाइगर ट्रंप टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कोप इंडिया ये इंडिया की यूएसए के साथ है सूर्यकरण इंडिया की नेपाल के साथ है ये नेपाल के साथ है ये भी आपको याद रखना है

ने भी हाल ही में बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला एमडी एमडी मतलब बैंक के के सीईओ कौन बने यहाँ पर LB प्रभाकर साहब नेक्स्ट किसको बैंकर पत्रिका द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए केंद्रीय चुना गया रीजन मार्क करना चेतन घाटे पामी दुआ रविंद्र ये तीनों मेरे भाई ये तीनों की बात करता हूं तो एम के कुल मेंबर में होते हैं जिसमें तीन आरबीआई के आते हैं और तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आते हैं जो मेरे भाई तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ना वो कौन है यहाँ पर चेतन घाटे पामी दुआ रविंद्रय ढोलकिया चेतन घाटे पामी दुआ और रविंद्र चु ढुल ये तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किन तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं नेक्स्ट मेरे भाई तो ये शक्तिकांत दास साहब है इनको अभी हाल ही में सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया फॉर के तौर पर किन ने नामित किया गया, गया, गया? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर मोहम्मद अल्लावी किन को मेरे भाई मोहम्मद अल्लावी मोहम्मद अल्लावी साहब को अभी नामित किया गया इराक की कैपिटल बगदाद करंसी यहाँ दिनार चलती है कैपिटल बगदाद करंसिया दिनार चलती है किसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशियाई अमेरिकियों और प्रशांत द्वीप समूह पर सलाहकार आयोग के रूप में नियुक्त किया है भैया इंपॉर्टेंट मार्क करना किनको अभी हाल ही में बेसिकली जो एक एडवाइजरी कमीशन है एशियन अमेरिकन और पैसिफिक आइलैंडर्स के लिए बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किनको यहां पर नियुक्त किया गया है बतौर मेंबर तो आंसर बनता है यहां पर मेरे भाई ऑप्शन नंबर थ्री प्रेम परमेश्वरन प्रेम परमेश्वरन अच्छा एक चीज जरा समझना ध्यान से अभी मेरे भाई पद्म विभूषण अवार्ड लिया गया सात लोगों को उसमें एक नाम विश्वेश्वर तीर्थ है एक नाम अरुण जुगनौत है इसके अलावा एक और नाम है अरुण जेटली जी एक है सुषमा स्वराज एक है जॉर्ज फर्नांडेज एक है एमसी सी मैरीकॉम एक है विश्वेश्वर तीर्थ एक है अरुण जुगनौत एक दो तीन चार पाँच छः एक नाम और बनता है यहाँ पर एक नाम और कौन सा बनेगा श्री मिश्र मिश्र ठीक है मदन लाल और देवी, इन तीनों को ये तीनों को अभी हाल ही में बीसीसीआई ने अपनी एडवाइजरी कमेटी का मेंबर इन तीनों लोगों को यहां पर एडवाइजरी कमेटी का मेंबर चुना गया है ठीक है दोस्तों ये भी आप याद रखेंगे यहां तक क्लियर होगा ठीक है नेक्स्ट यार किस दिन महिला जनलांग विकृति के विरुद्ध शून्य सहनशीलता के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है सीलता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बेसिकली फीमेल जेनेटल म्यूट के अगेंस्ट में अगर डे की बात करें तो ये कब ऑब्जर्व किया था आंसर बनता है इट इज ऑब्जर्व ऑन छह फरवरी छह फरवरी को हम लोग मनाते हैं इसकी थीम रहती अनलीसिंग द यूथ पावर अनलीसिंग द भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो के इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना किस शहर में अभी भारतीय जो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो है उसका बाईसवा संस्करण आयोजित किया जाएगा बाईसवा संस्करण उसका आयोजित किया जाएगा हरिगटावट से बताइए किस शहर में इसको आयोजित किया जाएगा ओके okay.

के परासरण के परासवर कर ओके okay, के परासरण विल हेड दी श्री नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख कौन होंगे के पराशरण के पराशरण नेक्स्ट ईयर किस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सॉरी यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप

बेसिकली टेकन बाय दी उत्तराखंड गवर्नमेंट ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है यहाँ का एक शहर है हरिद्वार ठीक है रमेश पोखरियाल निशंक जो कि बेसिकली एच आर डी में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र भी बनता है नेक्स्ट किस राज्य में एक समा सरलम्मा उत्सव मनाया गया मतलब किस राज्य में अभी हाल ही में समक्का सरलम्मा जत्रा मेगा जो ट्राइबल फेस्टिवल है वो मनाया गया दो सांसद बनता है इट इज बेसिकली सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना ये तेलंगाना में मनाया गया यहाँ की एक स्कीम है रायतू बंधु रायतू बंधु तेलंगाना की एक स्कीम है दो हजार बाईस को दो हजार को दो को ये ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मना रहा है कौन तेलंगाना ठीक है और जो आंध्र प्रदेश है इसकी रायतू भरोसा है नाडू नेडू है नेस्तनम योजना ये सारी किसकी है ये आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश की दिशा बिल किसका है आंध्र प्रदेश का है केरल का भाई दो स्कीम थी विजय मर्तम और सहचरी विजय मर्तम और सहचरी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो रहा था इसको टॉप किसने किया कर्नाटक ने किया तमिलनाडु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर लॉ बनाने वाला जो फर्स्ट स्टेट है वो दोस्त तमिलनाडु है तमिलनाडु है कौन है टोक्यो ओलंपिक लिए भारत के सद्भावना राजदूत होंगे बेसिकली देखो ओलंपिक की बात करते हैं तो दो ओलंपिक आते समर ओलंपिक आते विंटर ओलंपिक आता है समर ओलंपिक 2020 वाला जो हो रहा है ना ये जापान होस्ट करने जा रहा है और दो हजार जो छब्बीस का होगा इसे फ्रांस होस्ट करेगा दोस्तों फ्रांस होस्ट करेगा और दो हजार चौबीस का और दो हजार अट्ठाइस का जो होगा देखो बीस चौबीस अट्ठाईस याद रखना है जापान फ्रांस और यूएसए विंटर ओलंपिक की बात करें बाईस का जो रहेगा इसे चाइना होस्ट करेगा दो हजार छब्बीस का जो रहेगा इसे इटली होस्ट करेगा इसे इटली होस्ट करेगा ठीक है विंटर ओलंपिक समर ओलंपिक और यहां पर कौन आंसर बनेगा सौरभ गांगुली सौरभ गांगुली विल बी इंडिया गुडविल एम्बेसर फॉर टोक्यो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक के लिए जो सौरभ गांगुली है वो भारत के गुडविल एम्बेसर रहेंगे नेक्स्ट ईयर जसवंत सिंह कवल का हाल ही निधन हो गया वह क्या थे जसवंत सिंह कवल जिनका भी हाल ही में निधन हुआ वह दोस्त एक पंजाबी राइटर थे क्या थे एक पंजाबी राइटर थे पंजाबी राइटर थे किस देश ने टिड्डों के चलते राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है आंसर बनता ऑप्शन नंबर फिफ्थ सोमालिया पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान ने भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी ड्यू टू लोकस्ट बेसिकली जो टिड्डे होते ना उनके चलते यहाँ पर इनके द्वारा अभी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया सोमालिया की कैपिटल है मोगा दीशु मोगा दीशु और करेंसी यहाँ पर मेरे दोस्त शिलिंग चलती है शिलिंग यहाँ पर मुद्रा चलती है वोकना फासो उगा डुगू करेंसी ईको माली कैपिटल बमाको करेंसी ईको नाइजर कैपिटल नाइमे करेंसी ईको सैनिकल कैपिटल डकार करेंसी ईको चलती है ये भी याद रखना नेक्स्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुछ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है इंडिविजुअल को भी दिया गया है और इंस्टीट्यूशन को भी दिया गया दो कैटेगरी में दिया गया इंडिविजुअल को भी और मेरे भाई कैटेगरी में भी दिया गया बेसिकली अवार्ड देखो कुमार मुन्नन सिंह और डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड है इनको सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र

राखी हलदार किस खेल से संबंधित है राखी हलदार की बात करें शी इज रिलेटेड टू भारोलन ये भारत तोलन से संबंधित है किससे मेरे भाई भारत तोलन से संबंधित है अच्छा लॉन बाउल्स की बात करते हैं और साइकिलिंग की बात करें जो खेलो इंडिया गेम्स रहे थे ना खेलो इंडिया गेम्स उसमें दो स्पोर्ट्स को शामिल किया गया था एक था यहाँ पर साइकिलिंग और एक था लोन बाउसू ठीक है है ये रोइंग से संबंधित है इनके ऊपर प्रतिबंधता हटा दिया है ठीक है और यार वूचू से संबंधित एक प्लेयर बहुत, बहुत 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 नाम है जरा कोई बता सकता है उनका नाम क्या है जिन्होंने अभी हिस्ट्री क्रिएट की थी शायद गोल्ड मेडल जीत के उनका नाम क्या प्रदीप कुमार में भी हो सकता बट आई डोंट नो एक्जेक्टली नेम क्या वो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरा पोस्ट करेंगे ठीक है नेक्स्ट यार किस शहर में भारत अगला भारत पहला यूं कह के किस शहर में पहला भारत अफ्रीकी रक्षा सम्मेलन आयोजित तो किया गया था गाइस इट वाज हेल्ड इन लखनऊ जो फर्स्ट इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग रहा था इट वाज हेल्ड इन लखनऊ ये कहां पर रहा था लखनऊ में आयोजित तो किया गया था एचईएल ने यूएवी मतलब जो कह सकते हैं कि अनमेंड एरियल व्हीकल है

और रिवर्स रेपो रेट की बात करें इट इज नाउ 4.90 परसेंट सीआरआर इट इज 4 परसेंट एंड एसएलआर 18.25 18.25 आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर यहां पर 5.15 परसेंट 5.15 परसेंट कौन क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए हैं आंसर बनता ऑप्शन नंबर थ्री अभिषेक अभिषेक मेरे भाई

किस राज्य की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा विधायक प्रणब गोगई का हाल ही में निधन हो गया आंसर होता है ऑप्शन नंबर असम असम के भैया मौजूदा विधायक और पूर्व अध्यक्ष विधानसभा के जो थे उनका निधन हो गया है असम की स्कीम है स्कीम स्कीम अरुंधति अभिनंदन स्कीम दो से ज्यादा बच्चे होने पर गवर्नमेंट जॉब ने यह स्कीम प्लांट फॉर प्लास्टिक इनिशिएटिव यही का है कैनन बेम्बू टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर इनोग्रेट किया गया असम के बर्नी में यह भी याद रखना है इसके अलावा याद रखना दोस्त असम ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी शिशु सुरक्षा एप्लीकेशन शिशु सुरक्षा एप्लीकेशन असम के शिशु सुरक्षा

थैंक यू सर बाय क्यों मेरे भाई अभी रुको ना कहा जा रहे हो अभी रुक जाओ किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में अपने वर्तमान दूत कारन पियर्स को अमेरिका में अगला राजदूत तो नियुक्त किया है तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर वन ब्रिटेन ने भी क्या किया है जो कि उनके यूनाइटेड नेशन इन्वॉ है कारन पियर्स बेसिकली उनको यूएस में अपना एमएसए बनाया अच्छा देखो तो ब्रिटेन के साथ इंडिया की तीन एक्सरसाइज होती है कौन कौन सी होती है अजय वॉरियर होती है कौनकन और इंद्रधनुष अजय वॉरियर कौनकन और इंद्रधनुष अजय वॉरियर कौनकन और इंद्रधनुष भारत की तीन एक्सरसाइज होती है ब्रिटेन के साथ ठीक है ये याद रखना यूकेज ऑफ फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाला यूके फर्स्ट कंट्री बनता है किसको सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के आभूषणों की एक सूची और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है सुमन विला यू एनडीओ में यूएन डब्लू टीओ में डायरेक्टर चुने गए हैं माइकल डी पत्थर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई हरीश सालवे क्वीन के भाई क्वीन के कुइन के वकील हैं जनक राज्य एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई में बेसिकली एम पी के मेंबर चुने गए एमपीसी के ये मेंबर चुने गए हैं नेक्स्ट किस शहर में बीसवे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का आयोजन किया गया

किस राज्य सरकार ने चीन म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया देशों से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के आयत पर प्रतिबंध लगा दिया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बेंड इंपोर्ट ऑफ पैकेज फूड आइटम फ्रॉम चाइना म्यांमार साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आंसर होता है ऑप्शन नंबर टू मणिपुर दोस्त मणिपुर ने ब्रेस्ट फीडिंग में जिस स्टेट ने टॉप किया वो मणिपुर है ब्रेस्ट फीडिंग में जिस स्टेट ने टॉप किया था तो वो मणिपुर है ठीक है नेक्स्ट यार किस शहर में आर्ट्स वेस्ट संग्रहालय खोला जाएगा इन विच सिटी इन विच सिटी स्टेट ने किस शहर में आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम सेटअप किया जाएगा आंसर बनता ये रहेगा दोस्त गंजाम में गंजाम में कहां पर गंजाम में कितने क्वेश्चन हो गए चालीस पचास साठ पैंसठ तो कर लिए बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे ठीक है बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे आज इतना रखते हैं मैं फिर बता रहा हूं ये कोड फाइव परसेंट डिस्काउंट दिलाएगा आपको कुछ भी प्रोडक्ट को परचेस करना है इसको अब यूज करना है आपको हमेशा याद रखेगा और एक चीज और याद रखनी है अगर सब्सक्रिप्शन परचेस करना है तो वाई वन सिक्स एट एस कोड यूज करेगा वहां ट्वेंटी परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा इवन जो भी डिस्काउंट वहां चल रहा होगा एक और चीज और मैं बता देता हूं एस बी आई क्लर्क मेन्स का मेरा बैच आ चुका है जितने बच्चे भाई एस बी आई क्लर्क मेन्स के लिए जाना चाहे प्लीज स्टोर पर विजिट करिए अड्डा स्टोर पर मेरा बैच ले लीजिए इंडिविजुअल चालीस